मेरा मन नहीं सी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्योंकि नवी सरकार बनी सी, असी टाइम देना चाहते सी। पर जो अज उन्होंने फैसला किया, एक पंजाब दा एक हिस्टोरिक ब्लंडर जो अज किया है। शुरू तो असी इको एक गल कही सी, केजरीवाल पंजाब दा मुख्यमंत्री बनना चाहता है। इलेक्शन तो पहले भी इश्तिहारां च इको एक गल लिखी सी, केजरीवाल नूं मौका दिओ। पर जदों उन्होंने देखिया कि पंजाब दे लोकी उधर रिएक्ट कर रहे हैं, फिर इन्हें भगवंत मान नूं अगे कीता, पर इश्तिहारां विच फिर भी रखिया कि केजरीवाल नूं मौका दिओ, क्योंकि दिल्ली विच नां दा तां केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री है, पर है म्युनिसिपल कमेटी का प्रधान, मेयर वांगू है। कोई पावर नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है। जो फैसले होने हैं वो गवर्नर ने करने हैं। ते उदों पंजाब की जनता शायद कहती होनी, सोचती सी कि असी कोई पोलिटिकल स्टेटमेंट देने। पर जदों पंजाब की जनता ने फतवा दिता, भगवंत मान नूं मुख्यमंत्री बनाया, पहले दिन तो केजरीवाल ने पंजाब नूं कंट्रोल करना शुरू कर दिता। जिस दिन सौ चुकी है, अगले दिन तो अगले दो तीन दिन के अंदर अंदर पंजाब के चीफ सैकटरी, पंजाब के डीजीपी नूं दिल्ली बुलाया गया। केजरीवाल नाम उन्हें मीटिंग की, किनू कैबिनेट च लैना है, किनू डीजी अपना एसएसपी लाना, किनू डीसी लाना, किनू होम सैकटरी लाना है। पंजाब के मुख्यमंत्री का फैसला नहीं, आ फैसले दिल्ली केजरीवाल कर लग गए। उथों जिन्हें मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, उन्होंने जो ओएसडी लाए गए, आज मीडिया वाले तुसी जाके चेक भी कर लो, वो दिल्लियों केजरीवाल ने भेजे अपॉइंट किए गए। सारिया फाइलां पहले उन्होंने ओएसडी पढ़ते हैं, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली आए है, उदे बाद अपने मिनिस्टर जो फैसला कराना उत्थे कराते हैं। पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं ते पंजाब दे मंत्रियों नूं बंदी बना लिया केजरीवाल सरकार ने। जदों मीडिया ने रौला पाया, जदों केजरीवाल मुख्यमंत्री ने दिल्ली पावर महकमे नूं, बिजली महकमे नूं बुलाया, सैकटरी उत्थे गए, चीफ सैकटरी नूं बुलाया, उदों मीडिया विच बड़ा हलचल हुई। उस टाइम पंजाब दे गवर्नर साहब ने फिरोजपुर एक मीटिंग सदी, जिथे तुसी सारे जानते हो पंजाब दे चीफ सैकटरी ने लिखा, पंजाब दे गवर्नर नूं मैं नहीं आ सकता, मैनू दिल्ली दे चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने बुलाया मीटिंग वास्ते, ते पंजाब दे गवर्नर नूं ना कर दिती, क्योंकि सारा कुछ ही केजरीवाल कंट्रोल कर लिया। पंजाब दे चीफ मिनिस्टर ना तां कोई पुछ ही नहीं रहा। जदों सारा रौला पिया, केजरीवाल ने कहा हुण मैं ऑफिशियली किवें कंट्रोल कर सकदा। अज जो उन्होंने अग्रीमेंट किया, इहदा मतलब की है? अज दे बाद पंजाब दा चीफ मिनिस्टर भगवंत मान नहीं, अज दे बाद पंजाब दा चीफ मिनिस्टर केजरीवाल बन गया। एस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दा मतलब की है, अग्रीमेंट दा मतलब की है, कि दिल्ली दा मुख्यमंत्री कदों मर्जी अफसरां नूं बुला सकदा है, किसी मर्जी महकमे के अफसर बुला सकता है, उन्होंने कुछ जिनी मर्जी तो मर्जी जी करे मीटिंग कर सकता है, जो आदेश देने उन दे सकता है, ते जो इंप्लीमेंट करनी है दे सकता है। पंजाब हर सूबे की अपनी सीक्रेट होंदी है, अपने पॉलिसीज होंदी है। आ पहली बार देखा हिंदुस्तान च किसी मुख्यमंत्री दूजी स्टेट नूं टेक ओवर कर रहा होए, ते लालत है पंजाब दे मुख्यमंत्री ते इन्हां आम आदमी पार्टी दी, तुसी इन्ना झुक गए हो अपनी कुर्सी बचाउण वास्ते, इन्ने डर गए हो कि तुसी पंजाब सूबा ही दिल्ली नूं दे दित्ता। हुण जिहड़ी दिल्ली दी अपने केजरीवाल दीआं पॉलिसियां वो चलणगीआं। केजरीवाल दे एमपी ने कह दित्ता है कि साडी पहली गरंटी हरियाणे जाऊगी, पंजाब दा एसवाइल नहर, पंजाब दा पानी दिल्ली जाऊगा। हुण पंजाब दा चीफ मिनिस्टर की करूगा, क्योंकि केजरीवाल ने अग्रीमेंट कर लिया। जिवें इंदिरा गांधी ने
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਵਾਇਲ ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਐਸ ਵਾਇਲ ਕਨਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹ ਸਹੁੰ ਦੇ ਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਥ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਓਥ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ DDA ਡੇਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਓਵਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਚਾਈਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਆਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1027 ਸਕੂਲ ਹੈ 1027 ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ 203 ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ 1027 ਸਕੂਲ ਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਡਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 1027 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਆਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੱਲੀ 32 ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ 32 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗਏ ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਕਿਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
कि पंजाब की जनता किते बर्दाश्त नहीं करूगी कि होर सूबे का मुख्यमंत्री होर सूबे दे अफसर पंजाब नू कंट्रोल करन, पंजाब की इनफॉरमेशन सारी जाए, पंजाब किवें दिल्ली ने पंजाब तो फायदा लेना है वो अपने दिल्ली वाले फैसला करन, सेंटर दी पंजाब दी सरकार दिल्ली दी सरकार केजरीवाल दी फैसला करे, किते बर्दाश्त नहीं हो सकता। नाले एक कॉन्ट्रैक्ट दे विच एक इन्होंने खास कलॉज पाया जिहड़ा अखीरले 5-8 च है कि जो अग्रीमेंट दोनों सूबियां विच होणगियां वो अग्रीमेंट रद्द नहीं हो सकनियां, जे अमेंड होणगियां तां दोनों सूबियां दी सहमति करके ही अग्रीमेंट रद्द होणगियां। मतलब जे केजरीवाल ने कहता इस वाल कानून बनानी है इहनू इहने दस्तखत करते फिर इन्हें बना देनी है, फिर कोटा जिवें आपां अजकल कोटा जा रहे हैं उवें फिरना पैना है। जे केजरीवाल ने कहा थर्मल प्लांट पंजाब दे बंद करो पोल्यूशन आउंदी है, अग्रीमेंट करता तो फिर इन्होंने बंद करा देने है। सारा ही पंजाब का इंटरस्ट भगवंत मान ने केजरीवाल दे झोली च पा दिता है, सारे हथ वढ के देते है। कल एक बहुत रिस्पेक्टेड अखबार विच सारा डिटेल आ गया, इन्हां नूं जुत्तियां पहन लग गई, उन्होंने 4 पेज का या 8 पेज के कॉन्ट्रैक्ट नूं 1 पेज बदलता की लिखे द गवर्नमेंट ऑफ एनसीआरटी दिल्ली हेयर इन रेफर टू एज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेयर बाय एंटर इन टू अ नॉलेज शेयरिंग अग्रीमेंट टू नेबल दैम टू कॉपरेट पब्लिक फेस द केस एस ए जिहड़ा इन्हूं अग्रीमेंट नूं नां दित्ता है नेबल द टू गवर्नमेंट टू शेयर नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल्स फॉर म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज KCA enables the two government to send and receive officials, ministers and personals to learn, share and knowledge, experience, skills and public agreements is not रहेगा signing of this agreement सारा कुछ ही वो ही करता उन्होंने, उन्होंने की किया कि मिनिस्टर भी साढ़े जाएंगे, अफसर भी बुलाएंगे, जो अग्रीमेंट होंगे हुन क्योंकि अखबार आ गए जदों कि मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर सी किते उन्होंने किसी होर सूबे ने अग्रीमेंट किया कि नॉलेज वास्ते कांग्रेस की सरकार है किन्नियां सरकार है किते क्या है कि दूजी आ सरकार सारा कंट्रोल करूगी, हुण होना की है जे हिमाचल सरकार बन गई फिर केजरीवाल ने की ना एक अग्रीमेंट ट्राईपार्टी हो जूगा दिल्ली पंजाब हिमाचल कंट्रोल उत्थे करनगे, अफसर थोड़े सामने है चीफ सैकटरी डीजीपी सारे अफसर दिल्ली बैठे होंगे केजरीवाल को, पंजाब सरकार दे अफसर पंजाब दिल्ली दे चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर किवें लै सकदे आ, की इन्हां नूं जे एडवाइस लैनी है कि इन्हां नूं अग्रीमेंट की लोड़ है, किते अज दस दो किसे सूबे विच अग्रीमेंट होया होए, जे किसे ने कोई प्रैक्टिस देखण जानी है तो कोई मर्जी जा सकदा, इहदा मतलब नहीं आ डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया कि जे अफसर बुलाने पैण कुछ करना पए उन्हां कोले राइट हो जाए, जे फाइलां मंगाउणियां पैण फाइलां देखियां करन आर्डर दे कोल डोणे पैण साडे कोल राइट है, जे चीफ सैकटरी नूं बुलाउणा है सीधा उहनां दे दिल्ली दे चीफ सैकटरी करूगा पंजाब आ जाओ असी आ अग्रीमेंट है साडे कोल असी थोनू बुलाउणा है, आ एक एक तरीका लभ्या पूरे पंजाब दी एडमिनिस्ट्रेशन नूं पंजाब दी अफसरशाही नूं पंजाब दी सरकार नूं कंट्रोल करन दा, इहनूं जे उन्होंने कली एडवाइस लेनी है अग्रीमेंट करने की लोड़ नहीं है फिर क्यों किया इन अग्रीमेंट एथिकली नहीं है, जो मुख्यमंत्री ने सौं चुकी है कि पंजाब दी चीजा पंजाब दी सीक्रेट्स उन्होंने अपने ओथ विच है कि तुसी किते बाहर दस नहीं सकते, इत्थे तुसी सारे अफसर क्लेन लिखे सारे अफसर सारे मिनिस्टर कोई मर्जी बुला सकते, असी पहले गवर्नर साहब को जावांगे असी अपनी एमरजेंसी कोर कमेटी मीटिंग सद रहे हैं पार्टी की हाई लेवल कमेटी मीटिंग जिथे बिकॉज ऑफ बहुत वड्डा सीरियस मैटर है अज तक पंजाब के इतिहास नहीं हिंदुस्तान के इतिहास विच किसे एक मुख्यमंत्री ने अपने मुख अपनी सारी सूबा किसी दूजे मुख्यमंत्री का हवाले नहीं किया, आ पहली बार होया पूरे देश विच एक एक सरकार ने दूजी सूबे के मुख्यमंत्री नूं सारा कुछ सौंपता होए, तो इस करके पार्टी की जिहड़ी मीटिंग इमीजिएटली सदी जाऊगी उहदे बाद असी नैक्सट प्लैन ऑफ एक्शन करांगे, क्योंकि इस तरीके हले शुरुआत ही हुई है, शुरुआत ची तुसी देख लिया राज्यसभा मैंबर बनाए इन्होंने दिल्ली तो बनाते
कि पंजाब की आवाज उठाने वाले सीगे, पंजाब की जिन्नी समस्या कोई बोलिया क्योंकि वह सारा केजरीवाल के हाथ है, वह सारा कंट्रोल राज्यसभा तो लेके थले तक कंप्लीट पंजाब का कंट्रोल उन्होंने को है। केजरीवाल नू 100 गनमैन भेज दते है कि वह पंजाब का चीफ मिनिस्टर है कि इत्थे है। सो केजरीवाल हुण एक्चुअली बिहेव भी कर रहा है कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री हाँ, कई अफसर नू मैं आप गल कीती है, वो आप परेशान है कि सानू डेली टेलीफोन दिल्ली सरकार तो आउंदे है आ काम करना है, आ फैसले करने है, इस फैसले नू ऐ मोड़ के करना है। सारे हुक्म केजरीवाल दे स्टाफ तो, केजरीवाल दे प्रिंसिपल सैकटरी तो, केजरीवाल दे चीफ सैकटरी तो पंजाब सरकार नू आ रहे है। सारे जिन्ने सैकटरी है मैनू सारे गल करदे, सारे जानते है। वो कहिंदे पंजाब दे मिनिस्टर बिल्कुल डमी मिनिस्टर है, पंजाब दा चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ही डमी कर दिता है। फाइलां उत्तों बन के आउंदियां कि लिस्ट आ जाती है कि आ डीसी लगने हैं साइन वास्ते, मुख्यमंत्री दे पेश हो जाते कि आ साइन कर दो, वो कर देंगे। वो कोई केस हुण बिजली दा, देखो बिजली पंजाब दा सरकार ने फैसला करना सी, अफसर दिल्ली की करनगे? दिल्ली विच ना जनरेशन है, ना कोई थर्मल प्लांट है, ना हाइडल प्लांट है, ना उन्होंने जनरेशन अपनी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट है, फिर की एडवाइस देने लगे है? पर पंजाब के अफसर उत्थे बनाए गए क्यों? मिनिस्टर भी नहीं गया, मिनिस्टर नहीं बुलाते, कल्ले सैकटरी बुलाते हैं। देखो ऐसा काम पंजाबी नहीं बर्दाश्त करनगे, इस करके असी चेतावनी देना चाहते हैं भगवंत मान जी नूं कि जे तुसी मुख्यमंत्री पंजाब की जनता ने बनाया है, एक विश्वास करके बनाया, जे तुहानूं मुख्यमंत्री बनाया तो बन के रहो मुख्यमंत्री, एक रबर स्टैम्प अंगूठा छाप मुख्यमंत्री नहीं।